हाय बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूँ क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 आपके लिए लेके आया हूँ। देखते हैं 4.2 क्या है। चैप्टर का नाम तो बता चुके हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कहता है, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 4.1 नहीं देखी वो देख लें जाके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, हमें ये बता देना है कि यह ऑप्शन ट्रू है एंड व्हाई। कि व्हाई क्यों, क्वेश्चन कहता है वाई इक्वल टू 3x + 5। ऑप्शन फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन ओनली टू सॉल्यूशंस, थर्ड ऑप्शन मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। ओनली टू सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, यानी इस क्वेश्चन के दो ही सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो कैसे जानेंगे ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हमने एक्स और वाई, अब बच्चों मैंने एक्स की जगह पे 0 रखा था, रखिए देखो, जब हमने x की जगह पे 0 रख दिया तो y इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी जब x 0 तब y 5, एक सलूशन तो यही हो गया। अच्छा आगे कुछ और रखो, मैंने बच्चों x की जगह पे 1 रख लिया तो y कितना हो जाएगा 8, यानी बेटा दो सलूशन तो हो गए, एक सलूशन दो सलूशन, एक सलूशन से ज्यादा यानी ये तो गलत। अब बोला ओनली टू सलूशन, इसका मतलब इसके आगे क्या सलूशन अब नहीं है होंगे बच्चों। अब यहाँ 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, इसी प्रकार बहुत सारे सलूशन आ जाएंगे, यानी ओनली टू सलूशन नहीं, तो कौन सा सलूशन होगा मैनी सलूशन। जितना सलूशन जितना सॉल्व कर पाओ, 100 रखोगे तो ये 305 आ जाएगा, 1000 रखोगे तो ये 3005 हो जाएगा, इसी प्रकार बहुत सारे वैल्यूज हो जाएंगे बच्चों की नहीं। तो ऑप्शन आपका सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का क्या कहना है। हम राइट फोर सॉल्यूशंस, राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर गिवन केसेस। पहला पार्ट है 2x + y = 7। चार वाय हमें सलूशन बताने, कितने वाय सलूशन बताने बच्चों 4, तो 4 बताने हैं 1 2 3 4, ये एक्स एंड वाई। सबसे सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं, चाहे आप इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लें या वाई की निकाल लें, तो यहां से बच्चों वाई की निकाल लेंगे तो आसान रहेगा। अब तुम्हारे मन में एक बात ये आ गई होगी
अरे सर एक्स की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे? निकाल सकते हो बेटा, अगर एक्स की निकालोगे तो डिवाइड में गंदगी आ गई तो डिवाइड में आ जाएगा, तो देर लग जाएगी आपको। अगर एक्स की जगह जब जीरो रखोगे बच्चों क्या होगा, चेक करते रहे तो सेवन ही बचेगा, सेवन। वन रखो इसमें, जब मैंने वन रखा तब क्या हुआ, सेवन माइनस टू मल्टीप्लाई वन फाइव। थ्री रखो बेटा, टू रखो इसमें, जब आप टू रखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे टू यानी थ्री, जब यहां टू तो यहां थ्री। फोर रख लो बेटा, फोर जब रखोगे तब क्या होगा, माइनस का वन। इस प्रकार से बहुत सारे जवाब निकाले जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी, फोर सोल्यूशन बता, अब ध्यान दीजिएगा। अब आंसर से आंसर मैच करोगे तो गारंटी नहीं कि आंसर मैच हो जाए, क्यों, क्यों जो तुम्हारी इच्छा वो रखो, हंड्रेड रखोगे बेटा तो कुछ अलग जवाब आएगा, समझ रहे हो मेरी भावना, कुछ भी रख सकते हो लेकिन आपकी बातें आपके द्वारा दिया गया आंसर करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों पार्ट दिए गए हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं, जिनको डाउट है वो अगले में क्लियर कर लें। पाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन, फोर सोल्यूशन बता लेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, चाहे एक्स की चाहे वाई की वैल्यूज निकाले, एक्स की निकालोगे तो डिवाइड में पाई जाएगा, गंदगी हो जाएगी, तो क्या निकालेंगे, वाई, फोर वैल्यू चाहिए, वन टू थ्री फोर, एक्स एंड वाई। बच्चों जब एक्स जीरो है, जब एक्स जीरो कर दोगे तो क्या बचेगा, नाइन। अच्छा बच्चों एक्स वन रख लो, जब वन रख लोगे तब क्या हो जाएगा, नाइन माइनस पाई, टू रखोगे नाइन माइनस टू पाई, थ्री रखोगे तो नाइन माइनस थ्री पाई। इस प्रकार से आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात होती है थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन कहता है थर्ड पार्ट का, एक्स इक्वल टू फोर वाई, इसमें तो एक्स की वैल्यू निकली ही, वन टू थ्री फोर एक्स वाई। बच्चों वाई की जगह पे जीरो रखो, क्या आएगा, फोर मल्टीप्लाई जीरो अर्थात जीरो। समझ में आ गई बात, मुझे आशा है पूर्ण रूप से समझोगी। वन रखोगे तब क्या होगा, यानी वाई की जगह पे वन रख रहे तो एक्स फोर, वाई टू रखोगे फोर टू जा एट, थ्री रखोगे फोर थ्री जा ट्वेल्व। इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मुझे आशा भी है आपको विधिवत समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एक चेक करना है तुम्हें क्वेश्चन हेड में, क्या चेक करना है, एक इक्वेशन दी है, किताबें तो होंगी बच्चों देख सकते हो, इसमें फाइव ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन,
ये चेक करना है आप लोगों को कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इसका सलूशन है। तो इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कीजिए, जैसे LHS इक्वल RHS आ जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स जीरो वाई टू, एक्स की जगह पे जीरो रखा, वाई की जगह पे टू रखा, तो कितना आया बच्चों, माइनस का फोर, लाना कितना था फोर, आया क्या माइनस फोर, इसलिए ऑप्शन गलत है। फर्स्ट सेकंड पे पहुंचते हैं, एक्स की जगह पे टू, वाई की जगह पे जीरो, तो क्या आया बच्चों टू, ये टू है और क्या था फोर, टू फोर के इक्वल तो हो नहीं सकता, यानी सेकंड ऑप्शन गलत। आप क्या चेक करेंगे, थर्ड ऑप्शन, एक्स की जगह पे फोर, वाई की जगह पे जीरो, क्या आया फोर, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये करेक्ट हो गया। अब आगे इसी प्रकार चेक करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। फोर्थ में चेक कर देता हूं, रूट वाला है, वाई की जगह पे फोर रूट टू, एट रूट दो टू, एट रूट टू से वन रूट टू लेस करोगे तो क्या आएगा माइनस का सेवन रूट टू, फोर के इक्वल नहीं आया, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इस प्रकार फिफ्थ ऑप्शन में भी रखेंगे तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, फोर कामा जीरो इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सोल्यूशन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द k की वैल्यूज बतानी है, x2 है y1 है, इस सोल्यूशन y इक्वल टू वन, इस सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन k की वैल्यूज बता दो। इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, x की वैल्यूज x की जगह पे, y की वैल्यूज y की जगह पे, रख लिया, टू टू जा फोर, थ्री वन जा थ्री, अब फोर थ्री कितना हुआ बच्चों सेवन, तो k इक्वल टू सेवन। आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।